कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए आज मैं एक अनदर टॉपिक के साथ आई हूँ जो बहुत लोगों के लिए मुश्किल भी और चैलेंजिंग भी होता है, डेट हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ डेमो डेमोन्स्ट्रेशन फॉर अ टीचिंग एट अ जॉब इंटरव्यू फीमेल्स के लिए स्पेशली। तो उसकी कुछ टिप्स मैं आज आपको बताऊँगी कि आप किस तरह अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन प्रिपेयर कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को या हेड को आपकी वो चीज़ पसंद आ जाए। This is the third in a series of articles to have you prepare for the teaching job interview. In the last two articles, I discuss how you can prepare for the writing assignment at teaching job. पहली चीज़ क्या आती है, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के मोस्ट एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर अ टीचिंग पोजीशन सीम्स हैव सम टीचिंग एक्सपीरियंस आइदर एज अ टीचर असिस्टेंट इन अ ग्रेजुएट स्कूल और एजिस्टेंट फैकल्टी। जो भी फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं, उन्होंने मोस्टली वो लोग भी अप्लाई करते हैं जो पहले ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं। उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देनी होती है उनके लिए ज़रा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। उनको आप प्रिपेयर करना पड़ता है कि किसी के सामने खड़े होकर आप कैसे लेक्चर को डिलीवर करेंगे। इफ़ यू हैपन टू बी वन ऑफ दोज, यू आर फॉर्चुनेट टू नाउ हैव सम क्लासरूम और इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस। How it is in the case for all applicants and should it prevent you from still being able to perform a teaching demonstration doing exceptionally well if you are prepared. सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन का सबसे पहली चीज़ ये है, आप सबके लिए मैं गाइड करूँगी कि घर में उसको ना सबसे पहले किसी भी लेक्चर को प्रिपेयर करके घर में मिरर के सामने खड़े होके उसको आप अपने आप से डिलीवर करें ताकि आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डिवेलप हो सके। प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस हेल्पफुल, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द एबिलिटी टू कनेक्ट एंड एंगेज विद स्टूडेंट्स। डेमोन्स्ट्रेशन में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप किसी को किस तरह अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को प्रॉपरली। मतलब क्लास में आप जा रहे हैं तो इस तरह क्लास का सेशन स्टार्ट करें कि बच्चे आपको देख के एनर्जेटिक हो, बोर फील ना करें। फिर उनसे इनका बच्चों से इंट्रोडक्शन लें और उसके बाद आप लेक्चर की तरफ आएँ।